अरे बच्चों, आप हैं गुरु नितेश के साथ और देख रहे हैं अपना चैनल गुरु नितेश। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का था कि इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट होने के लिए जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होता है और ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होता है। तो यहाँ कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल बताइए। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा। तो एक का वर्टिकली अपोजिट 4 होगा, मतलब एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट, साथ ही साथ एंगल 5 के साथ ये दोनों एंगल मिल के वर्टिकली अपोजिट बनाएंगे तो एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के बारे में भी आपको हम बताएं कि लीनियर पेयर तभी फॉर्म होता है जब दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो लाइन है इस पे ये दोनों एंगल लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहा है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 5 या एंगल 1 एंड एंगल 5 आर लीनियर पेयर, और साथ ही साथ ये एंगल 4 और 5 भी मिल के लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल 4 एंड एंगल 5, इसके अलावा और कोई एंगल नहीं है जिस दो एंगल को मिलने से 180 डिग्री बनाता हो। तो इसका आंसर होगा 1 एंड 5 एंड 4 एंड 5। ठीक है, थैंक यू।